हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो आज वीडियो में आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए यानी कि 24 अक्टूबर के लिए 10 जो इंट्राडे कॉल्स मैं आपको दिया करता हूँ वही मैं आपको इस वीडियो में भी देने वाला हूँ। और हम देखेंगे कि जो मैंने आपको 23 अक्टूबर के लिए ट्रेडिंग कॉल्स दिए थे उनमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो भी हम चेक करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए जो मैं आपको कॉल्स देने जा रहा हूँ वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने आपको आज की ट्रेडिंग के लिए कॉल्स दिए थे उनमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वो हम सभी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। कि जैसे सबसे पहला जो मैंने आपको कॉल दिया था वो है गैब्रियल इंडिया का। गैब्रियल इंडिया में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर बड़ा टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी और यहाँ पर हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था 1% का। और मैंने आपसे कहा था कि आप 2 से 3% का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं, तो वो 2 से 3% का टारगेट भी यहाँ पर चल गया था। काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली थी मार्केट बंद होते वक्त। और यहाँ पर इन्फीबीम में भी मैंने आपको कहा था कि एक बार जो गिरावट आई है उसकी जैसी एक और गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 से 4% का यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि आप बड़ा टारगेट लेकर चल सकते हैं और यहाँ पर भी बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। आज के दिन भी करीब 3 से 4% की ये डाउन रहा था मार्केट में। ओपनिंग भी बहुत अच्छी दी थी इसने और काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था। और ONGC में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है, यहाँ पर भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। और जो फोर्थ कॉल था हमारा एशियन पेंट का, तो यहाँ पर भी एशियन पेंट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। टाटा मोटर्स में लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, बहुत ही स्लो चलता रहा ये स्टॉक, ज़्यादातर तो कंसोलिडेट बना रहा था मार्केट में इसलिए इसमें ज़्यादा हलचल देखनी नहीं गई थी। कोटक बैंक में हमारा टारगेट हिट हुआ है, यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर जो हमारा यूनाइटेड स्पिरिट है इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। मार्केट बंद होते वक्त ये टारगेट अचीव हुआ था, वैसे 504 रुपये पर ही अटका रहा था बहुत देर, फिर मार्केट बंद होते होते यहाँ पर हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। और ये देखेंगे हम आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में मैंने आपको बाय करने के लिए भी दिया था। मैंने कहा था कि आपको बाय की तरफ फोकस करना है क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल बन चुका था और यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है मार्केट में और यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हो गया था। और यहाँ पर जो 9th कॉल है हमारा इमामी, इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। और जो हमारा लास्ट कॉल है इंजीनियर्स इंडिया, इसमें आपको मार्केट में ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट रहा है। इसने ओपनिंग ही इसके नीचे दी थी, जो मैंने आपको प्राइस सेल करने को दिया था उसके नीचे ही उसने ओपनिंग दी थी, वहाँ से ऊपर ये चलता रहा, सेल नहीं हुआ है। तो ये ही कंसोलिडेट रहा है, बाकी सभी में हमारे टारगेट अचीव हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज जिसने भी इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए देखते हैं वो स्टॉक जो हमको 24 अक्टूबर में भी प्रॉफिट करवा सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर, तो आपको 24 अक्टूबर का मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है। तो यहाँ पर अब सबसे पहला जो कॉल है वो है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस में जो गिरावट आई है, सभी कॉल जितने भी मैं आपको 10 स्टॉक देने वाला हूँ सभी सेल के कॉल रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको मार्केट में कन्फ्यूज़न है, इतने सारे कॉल्स में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आप मेरी सर्विस ज्वाइन कर कर काम कर सकते हो। सर्विस ज्वाइन करने में आपको ये प्रॉफिट रहेगा कि आपको दिन का सिर्फ एक कॉल मिलेगा, अगर आप चाहो तो आपको सेकंड कॉल भी मिल जाएगा। अगर मुश्किल है, अगर आपको पहले ही कॉल पर ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरे की ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, बट फिर भी अगर मार्केट में हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं देता हूँ, वरना आपको दिन का सिर्फ एक ही कॉल मिलेगा और उसमें भी आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद वो स्टॉक दिया जाता है कि मार्केट में हलचल किसमें ज़्यादा है, उसमें ही हम मूवमेंट में फ़ायदा उठाते हैं मार्केट का, ओपन कॉल्स में काम करते हैं। जैसे कि मैंने आज एक कॉल है जिसमें मैंने आपको काम जिसमें अपने क्लाइंट को काम करवाया था DCM शिपयार्ड, तो वहाँ पर सॉरी आपका DCM श्रीराम था, जिसमें बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली थी और वहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक हुआ है, करीब 10 पॉइंट्स का बुक हुआ है। छोटा सा स्टॉक था और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देकर गया है। और जो सेकंड स्टॉक है वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का था और एक HDFC का मैंने बाय करवाया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देकर गया है। तो ऐसे ही स्टॉक आपको भी मिलते रहेंगे, तो आप भी सर्विस ज्वाइन कर कर काम करिए और मार्केट में जितना हो सके उतना प्रॉफिट आप मेरे साथ कमा सकते हो। और अगर आपको करियर बनाना है कि आपको प्रॉफिट कमाते रहना है, बट आप लोग में से मैं यही कहूँगा कि आप अगर सर्विस लेकर काम करना चाहते हैं तो ही मुझसे कांटेक्ट करिएगा, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है इतने कांटेक्ट करें क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। कई लोग फ्री ट्रायल के नाम पर प्रॉफिट कमाते हैं और फिर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। बहुत से लोग ट्रायल के नाम पर कॉल्स लेते हैं बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ऐसे कोई भी क्लाइंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें ऐसे में, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। जो मेरे क्लाइंट है उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए मुझे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगर सर्विस ज्वाइन करना है तो ही मुझसे कांटेक्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं वो स्टॉक जिसमें हमको ट्रेडिंग करना है नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए यानी कि 24 अक्टूबर के लिए। तो इन्फोसिस में यहाँ पर आपको जितनी भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो यहाँ पर एक और छोटी सी गिरावट आ सकती है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम 1% का ही टारगेट पर फोकस करके चलेंगे। तो 1% का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं।
तो यहाँ पर इन्फोसिस में शॉर्ट करके चलेंगे 653 से, और हमारा टारगेट रहेगा 646.50 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा हमारा 659.50 का। और तो हम यहाँ पर सिर्फ 1% का टारगेट लेकर चलेंगे। निफ्टी में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि निफ्टी कल कहाँ ओपन होने वाला है, यानी कि कल पॉजिटिव भी रह सकता है, थोड़ा सा डाउट है। तो वो स्टॉक्स पर अपना छाप छोड़कर जाएगा, यानी कि वो स्टॉक्स में भी रिवर्सल ले सकता है, इसलिए हम सिर्फ 1% का ही टारगेट लेकर चलेंगे, और ज़्यादा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश नहीं करेंगे किसी भी स्टॉक में। वो फिर लाइव मार्केट में मुझको पता चलेगा कि किस स्टॉक में हमको बड़ा टारगेट लेना है या ओपन पोजिशन रखनी है, तो उसके लिए तो आपको सर्विस ज्वाइन कर कर ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट डायल में हम देखेंगे तो जस्ट डायल में हमको सेल की ही पोजीशन दिखाई दे रही है, तो हम इसमें शॉर्ट करके चलेंगे 464.50 से। इससे पहले हमको नहीं करना, तो जो भी मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ उससे पहले आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी होती है। यहाँ पर हम टारगेट लेकर चलेंगे 459.85 का, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 469.1 का। और जो हमारा थर्ड कॉल है, थर्ड कॉल हमारा TCS का है, तो TCS में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल ले लिया है इसने। बट हम फिर भी इसमें शॉर्ट की ही पोजीशन पर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि ये वापस रिवर्स भी हो सकता है, बट मेरे को मालूम है कि यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन भी ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट की ही पॉइंट दे रहा हूँ। तो 1837 से हम इसमें शॉर्ट करेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 1818.60 का। स्टॉप लॉस हम लेकर चलेंगे 1855 का। और यहाँ पर हमारा जो फोर्थ कॉल है वो है विप्रो का। तो विप्रो में तो काफ़ी अच्छी शॉर्ट सेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये डेफिनेटली यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है विप्रो के अंदर। तो विप्रो में भी हम शॉर्ट करके चलेंगे 304.80 से, और टारगेट हमारा रहेगा 301.75 का। और यहाँ पर जो हम स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे वो रहेगा 307.80 का। और जो हमारा फिफ्थ कॉल है वो है SCL टेक का। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर आपको मोस्टली TCS भी दे दिया, जस्ट डायल भी दे दिया। IT कंपनी में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, कि IT कंपनी के कॉल्स में ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग में करने को बोल रहा हूँ। तो IT सेक्टर में कमजोरी बनी हुई है, तो इसका फ़ायदा हम उठाएंगे शॉर्ट सेलिंग कर कर। तो इंट्राडे में हम इसको भी शॉर्ट करेंगे, SCL टेक को 947.25 से। टारगेट हमारा रहेगा 937.75 का। स्टॉप लॉस हम लेकर चलेंगे 956.70 का। और जो हमारा सिक्स्थ कॉल है वो रहेगा UPL का। तो UPL में भी काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी, और यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है, इसलिए इसमें भी मैं आपको शॉर्ट सेल का ही कॉल दे रहा हूँ 608.50 का। हमारा टारगेट रहेगा 602.40 का, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 614.60 का। और जो हमारा सेवन कॉल है वो है पिडलाइट का। यहाँ पर पिडलाइट में भी हमको बहुत अच्छी शॉर्ट सेलिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेलिंग वाले स्टॉक है, जिसमें आप देखेंगे सभी स्टॉक्स में सेम पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी, सभी स्टॉक्स थोड़ा सा रिवर्सल लेकर वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो निफ्टी में भी यहाँ पर कमजोरी और ज़्यादा देखी जा सकती है। तो यहाँ पर कल भी मैंने आपको पूरे शॉर्ट सेलिंग के स्टॉक दिए थे, और आपको देखने को मिला है कि निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी आपको। बाकी स्टॉक्स का जो प्रेशर है वो आपको इस निफ्टी में देखने को मिला था, और यहाँ पर फिर से ऐसा हो सकता है। बट जो रिवर्सल कॉल बना है यहाँ पर, उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि गैप अप ओपनिंग देगा या फिर पास में ही ओपनिंग देगा फिर डाउन जाएगा। वहाँ पर थोड़ी सी डाउट रहता ही है उस स्टॉक में, सॉरी निफ्टी में, इंडेक्स में ये डाउट रहता है जब इस तरह का रिवर्सल बनता है, जो मेरे को जो उसमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पिडलाइट में भी हमको शॉर्ट सेलिंग दिखाई दे रही है, तो हम 920 से शॉर्ट सेल करके चलेंगे। टारगेट रहेगा हमारा 910.80 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 929.2 का। और यहाँ पर जो हमारा एट्थ कॉल है वो है सन फार्मा का। तो सन फार्मा भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़त तो बनी थी, बट अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखी जा रही है, तो यहाँ पर भी शॉर्ट सेलिंग काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है। तो यहाँ आप सन फार्मा में शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। 572.90 से हम इसमें शॉर्ट सेलिंग करेंगे, और टारगेट रहेगा हमारा 567.15 का, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रहेगा 578.60 का। और जो हमारा नाइन्थ कॉल है, तो नाइन्थ कॉल में भी हमको एक काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है शॉर्ट सेलिंग की तरफ। जितने भी स्टॉक दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है सभी में शॉर्ट सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है हमारा नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग करके चलेंगे 193.90 से। हमारा टारगेट रहेगा 191.95 का, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 195.80 का। और जो हमारा लास्ट कॉल है वो है डिवी स्लैब का। डिवी स्लैब में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे शॉर्ट सेल की तरफ, तो यहाँ पर आप इस स्टॉक में भी शॉर्ट करके ही चलेंगे डिवीज लैब की तरफ। तो डिवीज लैब फार्मा भी जो इंडेक्स, फार्मा का जो इंडेक्स है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है, वो भी कमज़ोर है फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, जितने भी सेक्टर्स में कमज़ोरी देखने को मिल रही है हमें, तो वहाँ पर हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
आप अगर कैश के अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ तो आप उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो आप कैश में कमा रहे हैं वहाँ आप उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिवी स्लैब में शॉर्ट सेल करके चलेंगे 12:42 से, और हमारा टारगेट रहेगा 12:29.60 का, और जो स्टॉप लॉस है वो हमारा रहेगा 12:54 का। एक बात और कि अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो बस आप फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं तो आप कैश के प्राइस पर नज़र रखिए, क्योंकि मैंने वहाँ से आपको उनके प्राइस नहीं दिए हैं, ये सिर्फ आपको कैश के ही प्राइस दिखाई दे रहे हैं। जब ये एग्जीक्यूट करें वहाँ पर आप फ़ौरन अपनी पोजीशन बना लें तो वहाँ से आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही ये टारगेट अचीव करता है वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो ऐसे भी करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। मैं यही चाहूँगा कि सभी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं। और एक और बात वही रिपीट करूँगा मैं, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, आप मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहे हैं, आपको लॉस पे लॉस हो रहा है, बट आपके पास अब कोई चांस नहीं बचा है, आपको काफ़ी ज़्यादा निराशा हो चुकी है, तो आप मेरे साथ काम करके देख सकते हो। मेरे जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो यहाँ पर आप अगर सर्विस ज्वाइन कर मेरे साथ काम करोगे तो लाइव मार्केट में जो मैं आपको कॉल दूंगा वो उसमें आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़कर काम करके देखिए, आपको मार्केट में आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे। इंट्राडे में ही काम करना चाहते हैं तो इंट्राडे में ही करिए, कॉल्स में काम करना चाहते हैं यानी कि आप पोजिशनल कॉल चाहते हैं या मल्टी बैगर स्टॉक चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल जाएगी प्रॉफिट कमाने की, क्योंकि जिसको प्रॉफिट कमाना है वो ही मेरे साथ कॉन्टेक्ट करे, और जो रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं मैसेजेस का, यानी कि कोई फ्री ट्रायल के नाम पर कॉल्स तो ले लेता है बट यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है कि मैं बाय किया है, मैंने नहीं किया है, या मैं वॉच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई भी तरह का रिप्लाई नहीं आता, बस स्टॉक्स लेकर उसको रिसीव कर कर बैठ जाते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट में इधर उधर से सभी जगह से फ्री के कॉल्स लेते रहते हैं और मार्केट में इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप सिर्फ सर्विस अगर ज्वाइन कर कर काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाएंगे, उसके लिए आपको सिर्फ बिलीव करके चलना होता है। वो आपको पूरा ट्रायल मेरा दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब पर कि किस तरह से मेरे कॉल्स चल रहे हैं, कितने में प्रॉफिट बुक हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, वो आपको सारी चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं लाइव मार्केट में। तो चलिए, जिसको ज्वाइन करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो गाइज इतना ही कहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।